हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में। तो दोस्तों आज की खबर ये है कि कोरिया जोंगांग की 8 अप्रैल की रिपोर्ट से पता चलता है कि साउथ कोरियन पुलिस ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी पूंजी स्कीम चला रहा था। आपको बता दें कि इस स्कीम में 2018 के 6 महीनों में 21.2 बिलियन वोन किए हैं और सियोल स्पेशल जुडिशियल पुलिस ब्यूरो के बाद एंड में उन्हें और कीवर्ड्स को पकड़ने के लिए पब्लिक सेफ्टी ट्रेंड रोबोट आए हैं और इन कीवर्ड्स जैसे पूंजी लोन और रिक्रूटिंग मेंबर्स के जरिए वे पूंजी स्कीम्स के एआई पैटर्न को टीच कर पाए। साथ ही स्कीम के सीईओ जो कि ली एंड बे के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मेंबरशिप फीस के साथ साथ प्राइवेट डिजिटल टोकन जिसे एम कॉइन कहा जाता था, इनको सेल करके काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है। तो दोस्तों इस खबर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऐसी पूंजी स्कीम से बचना चाहिए। वहीं दूसरी खबर ये है कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्राकेन के एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने फर्म पर $9 लाख का मुकदमा कर रखा है। वो दावा करते हैं कि एक्सचेंज उसे काम के बदले पैसा नहीं दे पाया। जोनाथन सिल्वरमैन जो अप्रैल 2017 में एक्सचेंज में ज्वाइन हुआ था, जिसका काम न्यूयॉर्क ट्रेडिंग डेस्क और इंस्टीट्यूशनल सेल्स को मैनेज करना था, उनका दावा है कि वे एक्सचेंज के फाउंडर जैसे पॉवेल के साथ ओरल एग्रीमेंट पर $1,50,000 की सैलरी के साथ ट्रेडिंग डेस्क का एनुअल प्रॉफिट के 10% की कमीशन पर आए थे। वहीं क्राकेन के स्पोक पर्सन क्रिस्टिना वे कहते हैं कि सिल्वरमैन झूठ बोल रहा है और अपने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को उल्लंघन में है। तो दोस्तों अगर आपको खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।